हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह मुंदेला। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के हिंदी के पार्ट थ्री में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम बैक स्टॉप को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक एपिथोडिक एक्सप्लेनेशन है और मुझे आशा है आपने पार्ट वन और पार्ट टू देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताया है, इकोनॉमिक्स में किस तरीके से हम इनके बारे में डिसीजन लेते हैं। अब एक और कंसेप्ट है, दैट इज़ बैक स्टॉप। ये क्या होता है पहले बता दूं, मैं आपको कंसेप्चुअली समझा रहा हूं, इन डेप्थ मैं फिर कभी आपको डिटेलिंग करूंगा। बैक स्टॉप का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिसोर्स, और ये सब्स्टिट्यूट रिसोर्स तब हम देखते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स हो जो एग्जॉस्ट होने वाला हो। यानी कि बैक स्टॉप एक ऐसा बैकअप है जो हमारे रिसोर्स को एक तरीके से रिप्लेस कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा रिसोर्स है भविष्य के लिए, जैसे आजकल जो हम कोल यूज़ करते हैं, कोयला, उससे बिजली बनाते हैं, मगर हमारे पास दूसरा भी एक सब्स्टिट्यूट है, दैट इज़ सोलर एनर्जी। मगर आप सोलर एनर्जी का सोलर पैनल खरीदने जाएंगे वो बहुत महंगे मिलते हैं। आपको अगर 1 किलोवाट का भी खरीदना हो तो शायद 80-90,000 रुपीज़ लग जाते हैं आज की डेट में, तो बहुत कॉस्टली पड़ता है उसको लगवाएं। अगर आप अगर वो सस्ता होता तो कोई कोयले वाली बिजली यूज़ नहीं करता, लेकिन अभी वो कर रहे हैं। तो ये एक तरीके की मानव विकृति है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस कम हैं उसको हम सस्ते दाम में बेचकर ख़त्म कर रहे हैं, मगर इसके सब्स्टिट्यूट भविष्य में हो सकते हैं। तो इन सब्स्टिट्यूट को हम बैक स्टॉप कहते हैं, और ये सब्स्टिट्यूट होते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेस अधिकतर, जिनमें एक कॉन्स्टेंट मार्जिनल कॉस्ट लगता है, उनका एक्सट्रैक्शन एक कांस्टेंट खर्चा आता है उसमें, और उसको हम अनलिमिटेड टाइम तक यूज़ कर सकते हैं एक कांस्टेंट खर्चे पर ही। क्योंकि वो क्या होता है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ना, वो जैसे जैसे कम होता जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो प्राइस भी बढ़ती जाती है, तो उसकी कॉस्टिंग जो है बहुत महंगी होती है। जैसे आप डायमंड देख लीजिए, अगर आप कोई डायमंड की खदान खरीदने के लिए जाएंगे कि मैं डायमंड निकालूं, तो बहुत महंगी मिलेगी, आपका मार्जिनल कॉस्ट ही बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डायमंड कम होते जा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट होता जा रहा है वो, तो जो चीज़ कम होती जा रही है वो बहुत महंगी मिलेगी आपको, फिर उसमें से आप निकालना चाहेंगे, मिले ना मिले। तो अगर वो चीज़ अनलिमिटेड है तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है, उसकी कोई स्केयरसिटी कमी तो है नहीं कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। जो चीज़ अवेलेबल है तो है, जैसे ऑक्सीजन आज फ्री में है हमारे लिए सब जगह, लेकिन कोरोना काल में वही ऑक्सीजन बहुत महंगी मिल रही है क्योंकि उसकी स्केयरसिटी हो जाती है। जब हमारे को इंटेक करना हो, हम यहाँ से इंटेक नहीं कर पा रहे हैं तो हमको हॉस्पिटल में उसे लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है और अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के, या ऐसा कहूँ मैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, और इनकी मार्जिनल कॉस्टिंग भी कॉन्स्टेंट है। ओके, तो अगर हमारे पास नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स हैं और रेन्यूएबल रिसोर्स है, तो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है, पर एक ऐसा पॉइंट आएगा ऑप्टिमल डिप्लीशन का, जिसके बाद अगर हम करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो चीज़ बहुत महंगी बिकेगी और उसे खरीदने वाला कोई नहीं होगा। तो उसके पहले ही हम उसको निकालना या हार्वेस्ट करना या एक्सट्रैक्ट करना रोक देंगे, एक लिमिट के पहले ही रोक देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल डिप्लीशन। और जब ऑप्टिमल डिप्लीशन आ जाएगा तो हम किसका यूज करेंगे, रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में ऑगमेंटेड मार्जिनल कॉस्ट लगता है, बनी बात है, जैसा मैंने आपको बताया, और ये जब तक कम होगा किससे, सब्स्टिट्यूट के मार्जिनल कॉस्ट से, तब तक हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, बनी बात है। देखिए, ये टाइम है, ये प्राइस है, तो ये प्राइस धीरे 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 बढ़ती जाएगी टाइम के हिसाब से, किसकी, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स की। जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला अभी सस्ता मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, मगर जब वो कम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसकी प्राइसिंग भी बढ़ जाएगी, अब वो महंगा मिलने लगेगा, तो वो कहाँ तक लोग अफोर्ड कर सकते हैं ये देखा जाएगा। जब तक ये कॉस्टिंग कम है तब तक अफोर्ड किया जा सकता है, लेकिन जब उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाएंगे, जो हमारा बैक स्टॉप है।
इसको क्वांटिटी और टाइम के हिसाब से भी समझ लीजिए कि क्वांटिटी भी तो कम होती जा रही है क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, प्राइस भी बढ़ती जा रही है और क्वांटिटी भी कम होती जा रही है, या ऐसा कहें क्वांटिटी कम होती जा रही है इसलिए प्राइस बढ़ती जा रही है। फिर हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ जा सकते हैं। एक तो ये रीज़न है कि इसकी प्राइसिंग बढ़ती जा रही है, मगर एक चीज़ और हो सकती है, प्राइस बढ़ते 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 क्या हो, एक नई डिस्कवरी हो जाए और ये प्राइस गिर जाए। होता है ऐसा कि बहुत सारा हमारा जो इंटरनेट का जो डेटा था वो बहुत महंगा हो गया था, मगर एक नई टेक्नोलॉजी आई और उसका रेट गिरा दिया और फिर नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे अब फिर वो लोग भी बढ़ाने लगे हैं रेट, फिर वो ऊपर तक जाएगा, फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी फिर रेट गिर जाएगा, फिर कुछ आएगा। तो हो सकता है हम अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखें कि प्राइस बढ़ गया, फिर कोई टेक्नोलॉजी की वजह से वो प्राइस गिरा दिया गया, फिर बढ़ गया। मतलब क्वांटिटी तो कम हो रही है लेकिन कुछ टेक्नोलॉजिकली ऐसा हो गया कि नई डिस्कवरी हो गई कि वो प्राइस नीचे आ गई और उसके बाद धीरे धीरे फिर से बढ़ गई। लेकिन ये कब तक चलेगा, तभी तो वो ऊपर होगी, और जब ये ऊपर कहाँ टच कर जाएगी, और ऊपर जाकर उस मार्जिनल कॉस्ट को टच कर जाएगी जो बैक स्टॉप की प्राइस है, तब हमको रोकना पड़ेगा। हम उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर हम करते हैं तो हमें वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये है प्राइस बैक स्टॉप की और ये है प्राइस हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। ये जब बढ़ती जाएगी और इसके बराबर पहुंच जाएगी तो हम इस लेवल पे आ जाएंगे। इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये प्राइस है पी जीरो और ये है पी टी, किसकी, बैक स्टॉक की, और इसका मार्जिनल कॉस्ट कितना है एम सी बी, ये बढ़ेगा नहीं, मैंने आपको बताया था ना कॉन्स्टेंट रहेगा, और एम सी जीरो ये रिन्यूएबल का प्राइस का, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये जो बढ़ता जा रहा है कॉस्टिंग हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब पीटी को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्रेजेंट का रेवेन्यू, ठीक है, ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो तो प्रॉफिट जोड़ के अगर हम मार्जिनल कॉस्ट में देखें तो हमारी कब की, बैक स्टॉप की जो प्राइस है वो आएगी, यानी मार्जिनल कॉस्ट भी प्लस होगा और प्लस हमारा प्रॉफिट भी, ठीक है। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट के साथ हम प्रॉफिट जोड़ रहे हैं उसमें एक और फंक्शन है, दैट इज 1 + r⁻ t, ये है आपका डिस्काउंटिंग। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। तो ये जो प्राइस है वो एम सी बी है, तो उसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें मैथमेटिकल काम करना है, ये हो जाएगा इस तरीके से, हम एम सी को उस तरफ ले गए, माइनस हो गया, और 1 + r⁻ t यहाँ ले गए। अगर इसको पर्टिकुलर किसी टाइम का निकालना हो, कोई छोटा टी है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, एम सी प्लस इंटू 1 + r⁻ t, यानी कि ये हो जाएगा इस तरीके से। इतना मैथमेटिकल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन डेप्थ फिर से कराऊंगा, मगर एक ये फॉर्मूला बन जाता है। अभी आप इतना समझिए कि ये कॉन्सेप्चुअली कि ये प्राइस बढ़ती है और ये तब तक हमको ले जानी है जब ये इसके बराबर हो जाए, और उसके बाद हम फिर बैक स्टॉप की तरफ मूव कर जाएंगे। इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि सपोज कोयला है और आप कोयला खर्च कर रहे हो, खर्च मान लीजिए 100 क्विंटल कोयला है आपके पास, चाहे आप अभी खर्च कर दो चाहे आप भविष्य में खर्च करो, अब आप उसे खर्च करना शुरू कर रहे हो और खर्च करते 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 आप 75 टन कोयला खर्च कर चुके हो, यानी इसको बेच के खा चुके हो, अब 25% यानी कि 25 टन बचा है, अब वो 25 टन कम हो गया है, वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई है। तो पहले मान लीजिए आपको 10 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, फिर धीरे धीरे 12 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही थी, अब आपकी ही कॉस्टिंग हो गई है 70 रुपये करीब, अब आप उसको बेच रहे हो 80 रुपये में, 80 रुपये किलो, तो लोग अब वो लेना नहीं चाहते कि उनको जो दूसरा बैक स्टॉप है सूरज की रोशनी, उससे भी उनको 80 रुपये ही पड़ रहा है, तो वो उस तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं, यानी आप ऑप्टिमल पॉइंट की तरफ पहुंच गए। अब इसके आगे यदि आपने और बेचने की कोशिश की तो वो और कम हो जाएगा स्टॉक और उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी क्योंकि आपका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा टाइम के साथ साथ। तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगा
तो वो कोई खरीदेगा नहीं। अब वो आपने रख लिया तो आपका घाटा है, एक तरीके से आपने लिया तो था 100 टन का खान, लेकिन अब उसमें से निकाल पाए केवल 70-80%, 20% आपके पास जमा रह गया। पॉइंट यहां पर है, वो ये है कि जब वो 20% बचा रह गया तो कोई खरीदेगा नहीं, जब डिमांड ही कम हो जाएगी क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाएंगे बैक स्टॉक की तरफ और डिमांड उसकी कम होती जाएगी तो उसकी वैल्यू भी घट जाएगी, वैल्यू घट जाएगी तो प्राइस भी घट जाएगी, तो फिर बिकने लगेगा वो। अब जैसे ही उसकी प्राइसिंग कम हो जाएगी और वो बिकने लगेगा तो लोग फिर से उसकी तरफ आएंगे और फिर से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, इसका स्टॉक कर लेते हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग जो प्रोड्यूसर होते हैं स्टॉकिंग कर लेते हैं ताकि जब ये ज्यादा होगी प्राइस तब हम इसको बेचेंगे। तो ये भी एक कंसेप्ट है इसका। इन ऑल बैक स्टॉक का मतलब है एक ऐसा सब्स्टिट्यूट जिसका हम इंतजार करते हैं कि हमारा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है हम उसको एक्सट्रैक्ट करते करते उसकी जो कॉस्टिंग है बैक स्टॉक की मार्जिनल कॉस्ट के बराबर पहुंच जाए। अगर वो पहुंच गई तो हम फिर उसमें शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल से हम शिफ्ट हो जाते हैं रिन्यूएबल पे। दैट्स इट, थैंक यू।